दोस्तों हम चल रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं, हम हैं अनास उबैद भाई, सारे लोग चल रहे हैं तारागढ़ की चढ़ाई। तारागढ़ की चढ़ाई चलते हैं हम आज, और वहाँ पर पहुँच कर लोकेशन दिखाएंगे, क्या है सब दिखाएंगे आपको, बस बने रहिएगा साथ बनाए। तो पहुँचते हैं, दिखाते हैं, और घूमना बहुत है, टहलना बहुत है, पैरों को मजबूत है, और चलिए पहुँचते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। वहाँ पर चलना यहीं से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे चलना चाहते हुए तो पहुँचते हैं, जीना चलते हैं आराम से, चढ़ना तो यहीं से स्टार्ट होता है, और जिसे लेना है तो वहाँ पर ले सकते हैं। जहाँ ले सकते हो टूटे, जहाँ ले सकते हो, क्योंकि टूटो की जरूरत बहुत पड़ी थी हम लोगों ने, और टूटे काफी ज्यादा हम लोगों ने भी दिया है। चलो ऊपर उठ जाके देखिए, ये नहीं, ये रास्ता उधर लिखा हुआ है तारागढ़ रास्ता, यहाँ दादी गलत थोड़ी बताएंगे, वापस मुलाकात करते हैं आपसे। ये देखो पहाड़ी एरिया पूरा दिख रहा है, पहाड़ी पहाड़ दिख रहा है। अभी चलेंगे वहां पर, चढ़ते हैं पहाड़, तोड़ते हैं वो, है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक चढ़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आओ कुछ ज्यादा जल्दी है ना, आओ जाओ वीडियो। ये बैग में वीडियो की लोकेशन धर रहे हैं, बोलन दरवाजा जो आया है वो देख लो भाई, कितना बेहतरीन दिख रहा ना, लगना जाना शायद, रुको आओ चलो आगे बढ़ो, फोटो खींच लियो, यहाँ चलना है, फोटो खींच लियो, ये है ढाई दिन का झोपड़ा दिख रहा है, और ये है आना सागर, सब छोटे छोटे दिख रहे हैं, देख सकते हैं काफी ऊंचाई पर हम लोग खड़े हैं, काफी ज्यादा ऊंचाई, तो इधर दिखाते हैं, ये है आना सागर झील दिख रहा होगा, और उसके बाद ये है ढाई दिन का झोपड़ा दिख रहा है। तो वहाँ जाने का सबसे आसान तरीका होता है, यहाँ से उतरो नीचे, इसके बाद उधर कूदो, उसके बाद उस पहाड़ी पे कूदो डायरेक्ट ढाई दिन के झोपड़े पर, ज़्यादा घूमना नहीं हमसे पूछो, चलो चल के दिखाओ पहले तुम आगे, लो पकड़ो अब हम चढ़ ही। बस पहाड़ी पहाड़ी नजर आती है, और परेशानी नहीं होती भाई, देखो अपने सुसाइड करने के इरादे से खड़े हुए हैं, हम भी चलो खड़े हो जाते हैं, अब लोकेशन अच्छा है, बेहतरीन है चेहरे को, पहाड़ों को दिखाते उसके बाद आगे पहुँचते भी। हुआ कर दो तो आपको कायदे से लो, रात सारी पूरी हो गई, जवाब भी ले लो,
तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम पहुंचने वाले हैं, बस करीब हैं, बस थक भी गए हैं ऐसा नहीं, काफी ज्यादा। ये देखो ये किला दिख रहा है, तो ये किसका किला है भाई? शिवाजी का, पृथ्वीराज चौहान का ये किला दिख रहा है। काफी ज्यादा मतलब चलना तो काफी ज्यादा हुआ, थक भी गए काफी ज्यादा, तो अब पृथ्वीराज चौहान का किला दिख रहा है, तो वहाँ पर पहुंचेंगे और वहाँ पर पहुँच कर लोकेशन पूरा दिख रहा है। तो इस तरफ देखो कैसा दिख रहा है माहौल, घर नहीं दिख रहे भाई, माचिस दिख रहे हैं, घर नहीं माचिस डिबिया दिख रहे भाई। देखो इसे डरा जी हो, ऐसे देखो डरा जी हो, सच बताएं घूमना चाहिए अगर आप कहीं निकलना चाह रहे हो तो। बस वहाँ कहाँ भागे जाते हो, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मिलता है और मजा भी आता है, बहुत मजा आता है भाई, चेहरे पर मुस्कान रहती हो, मजा आता है, तो घूमना चाहिए और हम साथ में तो घुमाते रहेंगे आपको। ये देखो घर नहीं माचिस की डिबिया है और पहाड़ में कितना ज्यादा पहाड़ है। अभी चलते हैं किले पर, तो वहाँ का लोकेशन बोलो। अनस बोलता है, बोले तो हाँ बोलो, तो दोस्त हमारे देखो साथ में है, तो बोलो यार, हम दिखाते हैं आपको, ये दिखाएंगे जंगल है, पृथ्वीराज चौहान का किला दिखाएंगे अभी ये लोग, तो चलो बढ़ते रहो धीरे धीरे। जेपी सर का टावर देख सकते हो आप, जेपी सर का टावर लगा, आगे बढ़े रहो, जेपी सर का टावर बाहर देख, बढ़े रहो धीरे धीरे। अर्पित और वाजपेयी सबका टावर है यहाँ लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पर जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी बैठेंगे, अगर अनस के हिसाब से बात किया जाए। हाँ तो कल ही आएंगे हम लोगों से मुलाकात करने, तो यहीं पर मुलाकात होगी। बैठिए, आते रहो आते रहो आते रहो, बोलते रहो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट यार, हम भी हैं, इसको जगह नहीं मिले यार। देख लो भाई, अगर दर्द हो ना तो यहाँ पर तेल ले सकते हो आकर, हर तरह के दर्द का तेल यहाँ मिलता है, खत्म भी हो जाता है दर्द भाई, गारंटी तो है ही। तो जाहिर सी बात है अजमेर आए तो इतना विश्वास होना ही चाहिए। ये क्या है भाई, देखते हैं। बस इसको डालना है जी जी, तुम डालना, हम डाल दे, इसको डालना है। चलो दुआ कबूल हो आपकी। तो आओ घोड़े की टाप की आवाज आती है यहाँ पर, घोड़े की टाप की आवाज आती है, अगर कान लगाओ इसके ऊपर तो यहाँ पर घोड़े की टाप की आवाज आती है। अगर आप आते हैं तारागढ़ की चढ़ाई चढ़ते हैं तो यहाँ पर जरूर आइए, तो यहाँ पर घोड़े की टाप की आवाज आती है। वो आई थी, हमने सुना था, हमको सुनाई भी दिया था, ऐसा नहीं लोग बना रहे हैं का भैया। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं पृथ्वीराज चौहान के महल के पास। देख सकते हो हम लोग आगे जो है, बोलते रहो बोलते रहो। तो अनस भाई बताओ कैसा लग रहा है? तो काफी खुश हो रहा है, पर थक बहुत ज्यादा गए, थक गए तो बस अभी पैर मलने का इंतजाम करवाते हैं आप दोनों। अरे दोस्तों को देख लो भाई, ये चलते चलते इतना थक गए हैं ना, इनके पैर मालिश भी करवाना पड़ेगा हमको लग रहा है। हाँ यार कोई मल रहा है भाई, जेब पकड़िए जेब जेब। सलाजी
तो दोस्तों अगर यहाँ पर आओ आप तो भाई के पास तो वीडियो बनाने के लिए 60 रुपये लेते हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन बनाते हैं। हाँ तो हमने बनाया है रील, बहुत बेहतरीन बनी, हम डाल देंगे आपको कैसी बनी है। तो भाई के पास आओ, बहुत अच्छा रेट है, 60 रुपये लेते हैं, लेकिन अगर हमारी तरफ से आओ तो 50 ले लेंगे। बिल्कुल ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे, 50 रुपये ले लेंगे, लेकिन बढ़िया बनाएंगे, बहुत बेहतरीन बनाते हैं भाई। स्लो मोशन वीडियो बनाते हैं, और दूसरी बात एक फ़ोटो खींचते हैं, बहुत बेहतरीन फोटो आती है, तो भी निकाल के देते हैं और हम रील्स डाल देंगे कैसी बनाई है भाई ने, बहुत बेहतरीन बनाई है भाई। देख लो ऐसे खड़ा हो गया, आप देख सकते हैं, एक बार बैठ सकते हैं, घोड़े वाला फकीरा है, फकीरा है इसका, ये देखो ऐसे उलट गया, एक बार बैठ सकते हैं भाई, वही कौन ऐसे बैठना, और तो बहुत बेहतरीन आती है, देखो भाई ये देखो, ये देखो, देखे आप तो बहुत बेहतरीन है भाई। तो यहाँ पर आइए और भाई के पास नाम भी एडवर्टाइज करना यार, उस्ताद का नाम भी बोलना पूरा, जगह भी बताते हैं, जगह का, हाँ जगह का नाम भाई बता, इस जगह है तारागढ़ पे गोलजला बावड़ी, इस जगह का नाम है गोलजला बावड़ी, गोलजला बावड़ी के बावड़ी। और एक जगह हम एक दिन यहाँ पे लगाते हैं हम घोड़ा, और एक दिन वहाँ लगाते हैं गेट के किला है, गेट के पास लगाते हैं किला, हमारे पास दिन मतलब दिन तो तय होगा कोई, वो हमारा दिन अलग है, मतलब एक दिन वहाँ लगाते हैं एक दिन यहाँ लगाते हैं, एक दिन वहाँ लगाते हैं एक दिन, मतलब आप आओ और यहाँ पर आओ तो यहाँ जरूर, ये लोकेशन दो जगह घोड़ा मिलेगा आपको भाई। और ये बगल में ये पृथ्वीराज चौहान का किला है, बस उसी के बगल में मिलेंगे इनसे मुलाकात होगी भाई। बिल्कुल बिल्कुल भैया, वो सबसे बेहतरीन है भाई के पास, वाजिब रेट है, 60 रुपये लेते हैं, 60 रुपये हमारी तरफ से कराएंगे, अगर बताएंगे इस वीडियो की तरफ से हैं तो 50 लेंगे भाई। चलो ठीक है, बेहतरीन, तो ये देखो भाई कितना बेहतरीन फोटो निकाले हैं भाई ने, तो प्रिंटर भी है, बहुत बेहतरीन फोटो निकाले, देखो कैसा दिख रहा है। तो भाई ने फोटो भी निकाल के देते हैं आपको, वो भी कैमरा से, DSLR कैमरा से खींचते हैं, तो आइए विजिट करिए जरूर इन भाई के पास एक बार। यह है वजू खाना, यहाँ बनाते हैं हुजूर मीरा सैयद हुसैन की पर आए हुए हैं, ये है हुजूर मीरा सैयद हुसैन, अब कबूतर को डालना डालते हैं अंदर जाकर, फातिया पढ़ चुके हैं, तो फातिया पढ़ चुके हैं, अभी देते हैं कबूतर को डालना डाल देते हैं, आपको दिखाते हैं ये तारागढ़ की, जब तारागढ़ की चढ़ाई चढ़ते हैं ना उस, जब ऊपर चले आते हैं, चढ़ चुके हैं तब मिलती है, चले वहाँ पर सिक्का चिपकाया जाता है, हाँ देखिए ना, सिक्का चिपकाया जाता है वहाँ पे आगे, वहाँ सिक्का चिपकाया जाता है भाई, बता यहाँ पे लगा लीजिए भाई, क्या नाम है भाई जान, इसरार मंसूरी, दुआ कर लीजिए भाई, जो दुआ मांगना चाहता सरकार से, दुआ मांगो जोली तुम्हारे जीवन की कौन सरकार भाई का, आ चाहने वाला सरकार भाई का बड़ा पाप, बहुत मुश्किल लगता है, कर्म तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, जोली 50 रुपए में
तारागढ़ किला आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तारागढ़ अजमेर शरीफ की निशानी लीजिए ₹50 में। यही तारागढ़ किला ना। घोड़े के ऊपर बैठकर फोटो खिंचाइए सिर्फ ₹50 में। ऊंट के ऊपर बैठकर फोटो खिंचाइए सिर्फ ₹50 में। दोस्तों अभी हम पहुंच गए तारागढ़ का किला। ये है तारागढ़ का किला पहुंच गए हैं और आपको दिखाते हैं आना सागर। ये देखो घर देखो दिख रहे हैं जैसे माचिस की टिकिया घर दिख रहे हैं। देखने में मजा भी आ रहा है। तो यह है तारागढ़ की चढ़ाई। रास्ता ये लेंगे उतारी फिर अभी हम उतर रहे हैं। आप देख सकते हैं तारागढ़ की चढ़ाई पर चढ़ के अब उतर रहे हैं। अच्छा तो नीचे उतरते हैं जी भाई। क्या कहते हैं अब तो अभी उतर रहे हैं। उतरने के बाद नीचे पहुंचते हैं और नीचे भी देखते हैं कहाँ चलना होता है क्योंकि पहली बार भी आएंगे और पहली बार आकर आप लोगों को बताओ दिखा रहे हैं तो फर्ज बनता है। तो चलिए ये पहाड़ देखो कितना अच्छा लग रहा है। लोकेशन बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। मतलब आओ ना तो दिल खुश हो जाता है। बस यह कि पैर मजबूत रख के रहना भाई, पैर मजबूत। इस पे जो राजा थे, राजा ये गाना बना के वीडियो बनाया करते थे अपनी रानी के साथ। वो वाला जो पहाड़ है सबसे छोटा पहले इनकी तरफ घुमा भैया। धन्यवाद ठीक देख लो भाई यहाँ से आए हम। चलो लो बोलो कर लो जो करना है। रुकना क्या बोलो। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इमली का पेड़ लगा हुआ है। ये इमली का नहीं है, वो है बबूर का है। बबूर का पेड़ लगा हुआ है और अभी हम राजा की चोटी पर तो कोठी पर थे और अब आए हुए हैं। अब चलते हैं, चलिए आइए। बस और कुछ कहना है कह लो मन भर जाए। ये सामने जो है दिख रहा है आपको बुलंद दरवाजा।